एक ऐसा मामला उजागर किया है जिसमें प्रदेश स्तर व जिला स्तर के महत्वपूर्ण दोहरे पदों पर काबिज एक भाजपा नेता शामिल है। सागर में बिजली कंपनी के उड़न दस्ते ने सोमवार को कार्यवाही के दौरान भाजपा ऊर्जा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व जिला भाजपा उपाध्यक्ष शैलेश केशरवानी के घर बिजली की चोरी का मामला उजागर किया है। इस भाजपा नेता का आलीशान घर चोरी की अटल ज्योति से जगमगा रहा था। बिजली कंपनी के अधिकारी उस दौरान हैरान रह गए कि बिना मीटर के सीधे खंभे से कनेक्शन कर बिजली जल रही थी। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। इस मामले में संभावना जताई जा रही है कि भाजपा के प्रदेश स्तरीय इस नेता ने बिजली कर्मचारियों को अपनी सत्ता की धौंस देकर सीधे कनेक्शन करा लिया था। भाजपा नेता द्वारा बिजली चोरी किए जाने की बात सामने आने पर आम उपभोक्ताओं का कहना है कि इन्हीं भाजपा नेताओं के घरों में बिजली कंपनी के कर्मचारी चोरी की अटल ज्योति जलवाकर आम आदमियों पर अनाप शनाप बिलों का भार डलवाते हैं। वहीं आमजनों को बिजली कंपनी की इस कार्यवाही पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के हस्तक्षेप की वजह से सही कार्यवाही नहीं होगी। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर बताया कि यदि सही तरीके से प्रकरण बनता है तो भाजपा नेता के ऊपर लाखों रुपए की बिजली चोरी का प्रकरण बन सकता है। अब देखना यह है कि बिजली कंपनी निष्पक्ष कार्यवाही करती है या फिर सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक होकर मामूली प्रकरण बनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री करती है। न्यूज बुंदेलखंड के लिए सागर से सरजू पटेल की रिपोर्ट। राम राम भैया। जैसो कि आपको पतो है कि बुंदेलखंड को एकमात्र चैनल है न्यूज बुंदेलखंड। और अब तो भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मजो आ गओ। अब तो जान खबरें आप देखो जामे बुंदेली भाषा में देखो। तो भैया देखो ना भूलियो न्यूज बुंदेलखंड।